नमस्ते दोस्तों, समता ऑडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं समर रॉय आपका होस्ट हूँ यहाँ का। हमारे इधर पे कभी कभार फ़ोन आते हैं या व्हाट्सएप में कमेंट्स करते हैं, नहीं तो यूट्यूब कमेंट्स में कमेंट्स आते हैं कि सर आपका स्टूडियो में जो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका कुछ विवरण हमको दिखाओ और मिनिमम स्टूडियो सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आप जो देख रहे हैं ये हमारा जो सेटअप है, ये हमारा ट्रेनिंग स्टूडियो का सेटअप है। यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ऑल ओवर द इंडिया से जो लोग आते हैं यहाँ पे, उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ये सेटअप हमारा रखा है यहाँ पे। तो हम लोग इस पर सिखाते हैं, आपको दिखाएंगे हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है, उसका प्राइस भी आपको बताएंगे। लगभग अप एंड डाउन होगा प्राइस, क्योंकि प्राइस रेगुलर चेंज होता है डॉलर के हिसाब से। और किसी ने एक बार पूछा कि सर जो हमारे पास अगर कोई साउंड कार्ड है, जैसे कि फोकसराइट हो या एविड हो या मोटू हो, डायरेक्टली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साउंड कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से हम उसका रिकॉर्ड लेवल वॉल्यूम कितना रखें, अगर ये हमको आप दिखाएंगे तो मेरे को बहुत सुविधा होगा काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज सिर्फ टॉपिक्स है कि हमारा स्टूडियो ट्रेनिंग स्टूडियो जो है, इस ट्रेनिंग स्टूडियो का सेटअप हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि कोई भी साउंड कार्ड आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके लिए क्या इनपुट लेवल होना चाहिए। कुछ महीना पहले के वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि मिक्सिंग कंसोल, अगर आप छोटा मोटा मिक्सिंग कंसोल यूज़ कर रहे हो या बड़ा मिक्सिंग कंसोल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका इनपुट लेवल कितना होना चाहिए। PFL मतलब प्रीफेडल लेवल, PFL कितना होना चाहिए ये भी हम दिखाया था, कि ताकि आपको कोई हेल्दी रिकॉर्डिंग साउंड मिले। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई भी साउंड कार्ड से रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर PFL आपका ठीक ठाक नहीं रहेगा या इनपुट लेवल ठीक ठाक नहीं रहेगा तो हेल्दी साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हेल्दी साउंड रिकॉर्ड करने के लिए आपको PFL पे नज़र देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका मिक्सिंग कंसोल पे हो या साउंड कार्ड में हो। अगर आप मिक्सिंग कंसोल और साउंड कार्ड दोनों एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए भी कुछ चारा है जो मैं आपको पहले भी वीडियो दिखाया था और आज भी थोड़ा बहुत जिक्र करूँगा मैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो समता ऑडियो का, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कीबोर्ड्स यहाँ पे है, एक मिडी कीबोर्ड और एक सिंथेसाइजर। ऊपर वाला सिंथेसाइजर है, नीचे वाला मिडी कीबोर्ड है और ये है इम्पल्स का। ये इम्पल्स का मिडी कीबोर्ड आप लेंगे तो 32,000 या 30,000 के आसपास लेंगे प्राइस। और ये कीबोर्ड जो है ऊपर का कॉर्ग कॉर्ग क्रोम आप देख पा रहे हैं, इसका देखिए कॉर्ग क्रोम, ये आप अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 85 के आसपास प्राइस आ जाएगा इसका। तो ये आप जब अगर म्यूज़िक कंपोज करना चाहते हैं आपका स्टूडियो में तो ज़रूर इसको लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत चाहिए आपको। और साथ में ये देखिए आपका कॉनिक मेयर का स्टैंड, जो डबल स्टैंड बोलते हैं, इसका प्राइस लगभग 27,000 है, जिसके ऊपर आपका कीबोर्ड रहेगा, टू टायर कीबोर्ड स्टैंड, इसके कहते हैं स्पाइडर प्रो कॉनिक मेयर का। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपका स्टूडियो में काम करने में बहुत आसानी होगी। और ये देखिए हमारा जो नियर फील्ड मॉनिटर, यह है रॉकेट 8 थर्ड जनरेशन, यह रॉकेट 8, ये आपको चाहिए। और प्रोटूल्स का दो रॉकेट 8 दो है यहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड का और ये रॉकेट 8 और दो मॉनिटर्स, और साथ में हमारा जो है साउंड कार्ड का मिक्सिंग कंसोल 24 चैनल्स। ये देख रहे हैं साउंड कार्ड का मिक्सिंग कंसोल 24 चैनल्स है। ये है आपका पाइल का DI बॉक्स, जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं, मतलब TS से XLR या XLR से TS। और साथ साथ ये है हमारा स्टूडियो V3, एक प्री एम्प है जो ट्यूब प्री एम्प बोलते हैं, इसके अंदर ट्यूब प्री एम्प है, इसके ज़रिए हम लोग वोकल रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप इसको लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लगभग 9,000 के आसपास प्राइस है इसका। और पाइल का भी वैसा ही है, आप एक बार नेट में सर्च कर लीजिए, तो ये बहुत काम का चीज़ है। ये जो DI बॉक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत काम का चीज़ है। और साथ में देखिए ये मिक्सिंग कंसोल, इसमें सारे के सारे जो हमारा जो चैनल्स है ये पहले से ही XLR पॉइंट में लगा हुआ है, जस्ट रिकॉर्डिंग करते वक्त इसको हम यूज़ करते हैं। और इधर देखिए
जैसे कि इधर देखिए हमारा जो साउंड कार्ड, ये साउंड कार्ड है, हमारे पास दो साउंड कार्ड्स हैं, एक तो है एबिट का, ये सफ़ेद वाला जो देख रहे हो 003 डैक, ये है एबिट का, ये है एबिट का ही साउंड कार्ड, ये प्रोटूल्स के साथ आता है, लेकिन अभी ये साउंड कार्ड आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि इसको एबिट वाला अभी नहीं बना रहा है इसको। इसके बदले में क्या हुआ, इसके बदले में और भी है एक जो यहाँ पे फोकस राइट का है 18920, ये देखिए फोकस राइट का 18920 साउंड कार्ड, इसमें आपको 18 इन मिलेगा और 20 आउटपुट मिलेंगे। और इसका जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका 18 इन और 20 आउट है, 8 एनालॉग, 8 डिजिटल और 2 ऑप्टिकल। और देखिए इसमें जो एनालॉग 1 एंड 2 जो है, ये वाला ये 1 एंड 2 जो है, इसका इनपुट सामने दिया है, बाकी 6 का पीछे दिया है, इसको कहते हैं कम्बो एक्सलर चैनल। इसमें आप डायरेक्ट टी एस भी घुसा सकते हो और एक्सलर चैनल भी आप लगा सकते हो। और इसके लिए 8 जो प्री एम्प दिया है, यहाँ पे देखिए 8 प्री एम्प आपको मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए 1 2, इसके बाद 3 4, इसके बाद 5 6, इसके बाद 7 8, 7 प्री एम्प का आप इनपुट लेवल यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे 1 2 8 तक आपका इनपुट लेवल मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ में साथ आपको दो हेडफोन के लिए और मेन आउटपुट के लिए देखिए ये है आपका मॉनिटर। जैसे कि बोलिए आपका मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ से आपको आउटपुट जा रहा है, ये मॉनिटर के लिए आपको एक नॉब दिया गया है यहाँ पे, और दो है हेडफोन, ये हेडफोन नंबर 1, हेडफोन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनाया, लेकिन इसमें आपको 96 नहीं, इसमें आपको जो सैम्पलिंग रेट का जो मतलब उसने जो फैसिलिटी दे रखा है वो है 192 किलोहर्ट्ज़। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रोटूल स्टूडियो के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है, जबकि ये आपका एविट का जो है ये हमारा प्रोटूल्स में भी काम करता है, और जब हम चाहते हैं कभी एविट को यूज़ करते हैं और कभी हमारा जो ये है 18920 ये साउंड कार्ड, ये वाला ये है फोकस राइट का 18920 साउंड कार्ड, ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगा प्रोटूल्स के साथ। तो दोस्तों, जब भी आप इसको मतलब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आप इसको जो प्रीएम्प है, देखिए एविट का जो है ये इसमें 4 प्रीएम्प है, 1 2 3 4 चैनल का प्रीएम्प दिया है, बाकी 5 6 7 8 जो चैनल है इसका प्रीएम्प है ही नहीं। इसमें भी दो हेडफोन का आउटपुट है राइट साइड का, हेडफोन 1 एंड हेडफोन 2, और उसके बाद मॉनिटर का, मतलब दोनों में जैसे कि ऊपर वाला जो देख रहे हैं जो फोकस राइट का जो साउंड कार्ड है, इसके साथ ये नीचे एविट का साउंड कार्ड बहुत अच्छा मिलता जुलता है, लेकिन एविट का जो है ये नीचे वाला ये 96 किलोहर्ट्ज़ तक हाईएस्ट देता है, लेकिन फोकस रेट का जो है ये है फोकस रेट का ये आपको देगा 192 किलोहर्ट्ज़ तक सैम्पलिंग रेट, बहुत बढ़िया काम करता है। अभी मैं दिखाता हूँ कि इसका अगर अपने अगर कुछ रिकॉर्डिंग लेवल इसके ज़रिए, मान लीजिए आपके पास एक मिक्सिंग कंसोल नहीं है तो आप डायरेक्ट साउंड कार्ड के ज़रिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका लेवल कैसा होगा, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसका लेवल कैसा आप सेट करेंगे, और उसी हिसाब से अगर सेट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग लेवल बनेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सएलआर पॉइंट में कुछ इसको मैं कनेक्ट किया, जैसे कनेक्ट करेंगे तो एक नंबर के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डैम्प, मतलब इसको आप इंस्ट्रूमेंट के लिए जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो ये स्विच दबा दीजिएगा, जब माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो ये स्विच उठा दीजिए आप। और इसमें यह है आपका 48 वोल्ट फैंटम पावर, अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपका ये दिया हूँ, एक नंबर पे मैं एक माइक्रोफोन लगाया हूँ, अभी इस माइक्रोफोन का लेवल यहाँ पे शो करेगा अकॉर्डिंग टू माय गेन, जितना मैं एपीएम का गेन दूंगा, और यही गेन को मैं प्रोटूल्स में यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। ये देखिए प्रोटूल्स में मैं यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे इनपुट पे या वहाँ जो इनपुट है इनपुट 1 पे ये लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे आपको लेवल मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैसे मतलब आपको एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं।
हेलो 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 हेलो, देखिए मैं यहाँ तक इसको आप किया है, अभी थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे आपको -18 dB तक आपको लेवल दे रहा है यहाँ पे, तो यही सेम चीज आपको वहाँ पे भी मिल रहा है, जैसे साउंड कार्ड से जरिए मिल रहा है आपको, आप देख सकते हो। हेलो 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 हेलो, अब देखिए हेलो हेलो हेलो। मेरा मिक्सिंग कंसोल जो है, मिक्सिंग कंसोल के जरिए भी सेम साउंड इस पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका हेडरूम जो है, हेडरूम 100% परफेक्ट है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हो, जैसे कि हेलो 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 हेलो, तो इतना ही ठीक है। जब आपका फोकस रेट का जो देख रहे हैं आप, इसमें लेवल हेलो हेलो ये लेवल, और आपका प्रोटूल्स जो है, प्रोटूल्स का जो लेवल, इनपुट लेवल जो मैंने बताया था पहले ही, -10 to -15 dB के अंदर होना चाहिए प्रोटूल्स में, उसका भी इनपुट आप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से आप उसको सेट कीजिए, तब जाके आपको एक अच्छा सा डायनामिक साउंड रिकॉर्ड होगा। देखिए मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये मैंने बहुत ही सस्ते वाला एक माइक्रोफोन जो है, ये देखिए वेबडल का DM-20S, ये माइक्रोफोन के जरिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे ये बहुत ही मतलब आम माइक्रोफोन्स है, यहाँ पे साधारण माइक्रोफोन से इसमें आपको बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर माइक्रोफोन आपका माइक्रोफोन का क्वालिटी जो होगा उस क्वालिटी से कुछ ये प्रीएम्प उसी हिसाब से काम करता है। कुछ माइक्रोफोन्स ऐसे भी है जो आपको इतना तक लेवल उठाने नहीं देगा, यहाँ तक रखेंगे फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, जैसे कि SM58, 57 वगैरह, या ऐसा कुछ अगर कंडेंसर माइक्रोफोन लगा तो और भी। लेकिन आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा ये है आपका लेवल, लेकिन -18 के ऊपर मत जाए। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो हेलो, तो ये रहेगा तो आपका यहाँ पे प्रोड्यूस में जो हेल्दी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आपको हेल्दी साउंड भी मिलेगा, और आप उसी हिसाब से उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हेल्दी साउंड मिलने के बाद आपका उसका मिक्सिंग और उसका जो प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होता है। आप एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए एक बार, मैं जो रिकॉर्ड किया हूँ उसको मैं प्लेबैक कर रहा हूँ। हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप देख रहे तो यहाँ पे जो आपका मीटर जो है, ये जो व्यू मीटर जो हमारे यहाँ पे आता है, लेवल मीटर भी सही बोल रहा है कि आपको इतना ही रिकॉर्डिंग करना है, इतना लेवल पे रिकॉर्डिंग करना है, और ये आपके लिए एक हेल्दी साउंड है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आगे से ये हेल्दी साउंड रिकॉर्डिंग करने का और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप लोग ज़रूर इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगला एपिसोड लेके अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। Hot pot, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.